है? गोस्वामी ने जाने से इनकार कर दिया, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? उसने तो मुझे अभी फोन पर बताया और मैं दौड़ा हुआ आपके पास चला है। कल तक तो जाने के लिए तैयार था, आज कौन सा सांप सूंघ गया ससुरे को? पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप लड़कों को ड्रग्स ले जाने से रोक दीजिए। अरे मैं कैसे रोकूंगा, बस तो निकल चुका है। अब इस मामले को आप ही सुलटाइए। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं नहीं जा सकता। आपका बात हम जानता हूँ, लेकिन उस समय परिस्थिति कुछ और था, आज कुछ और है। आज असलियत जानने पर मेरे लाख रोकने पर भी आप नहीं रुकेंगे। कौन सी असलियत? अरे वैसे तो आप बहुत मजबूत कलेजे वाले आदमी हैं, लेकिन ये बात सुनकर जो झटका आपको लगेगा उसके लिए तैयार रहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे खुलकर कहिए, क्यों पहले बुझाते हैं? अरे हम तो समझे थे कि आप पुलिस वाले हैं, पहली बूझ लेंगे, गुत्थी सुलझा लेंगे, लेकिन आप तो फेल हो गए। खैर बता देता हूँ, जो आदमी वहां माल की डिलीवरी देगा वो कोई और नहीं, आपका बेटा रवि होगा। मेरा बेटा रवि? जी हाँ, आपका सुपुत्र रवि। इस गंदे काम में आपने मेरे बेटे रवि को क्यों इन्वॉल्व किया? अरे मुफ्त में थोड़ी करवा रहा हूं मुझसे ये काम, पूरा 50,000 दिया इस काम का। अपने धंधे की शतरंज पर मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए गणेश भाई, वरना हमारी साझेदारी टिकेगी नहीं। नहीं कमिश्नर साहब, अब तो हमारी साझेदारी और टिकेगी। क्योंकि रवि उसी कमान का निकला हुआ तीर है ना, जिस कमान का नाम कमिश्नर भटनागर है। अब बाप बेटे दोनों मिलकर काम करेंगे हमारे लिए। जाइए जाइए, अपना कीमती वक्त और रवि का भविष्य बर्बाद मत करिए। माल की डिलीवरी लीजिए इससे पहले कि कोई और धर ले उसे। जाइए, जल्दी जाइए।